नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। कुंडा में एक दिन पहले ही हनुमान जयंती के लिए परमिशन न मिलने के कारण कुंडा बाजार के लोगों की तरफ से बाजार बंदी के बाद प्रशासन अगले दिन सख्त रहा। प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर जमकर निगरानी रखी है। साथ ही ऐसे स्थल जहां आवश्यक से अधिक लाउड स्पीकर लगे थे उसे प्रशासन ने उतरवा दिया है। साथ ही कोतवाल अवधेश मिश्र की अगुवाई में पहुंची टीम ने सभी ताजियादारों और गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के सभी आयोजक को सख्त हिदायत दी है कि पंडाल में अनुमति से अधिक लाउड स्पीकर लगाने की कोशिश की गई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि शेखपुर आंशिक गांव में राजा भैया के पिता ठाकुर उदय प्रताप सिंह को अनुमति हनुमान जयंती मनाने के लिए प्रशासन पिछले 2 सालों से नहीं दे रहा है। पुलिस उस गांव में भी पहुंचकर अंजुमन कमेटी से 20 लाउड स्पीकर को उतरवा दिए। साथ ही कुंडा के गणेश पंडाल में 10 लाउड स्पीकर उतरवाए। पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शंभू कुमार ने सोमवार को साफ कर दिया कि प्रशासन किसी भी इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर लापरवाही नहीं बरत सकता है। किसी के दबाव को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से सक्षम है, किसी का हम पर दबाव नहीं है। उसके बाद ही मंगलवार को प्रशासन की कुंडा में शक्ति दिखाती है कि कुंडा में डीएम की खास नजर बनी हुई है। दरअसल राजा भैया के पिता की ओर से हनुमान मंदिर पर एक विशेष भंडारा कराया जाता है। ये भंडारा ठीक मुहर्रम के अखाड़े के जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले हनुमान मंदिर पर कराया जाता है। इससे बड़ी तादाद में लोग भी जुटते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि तारीख और स्थान को लेकर आपत्ति हुई और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद कोर्ट ने भंडारे पर रोक लगा दी। पिछले 2 सालों से लगी रोक इस बार भी बरकरार रही है, जिसके विरोध में एक दिन पहले ही बाजारवासियों ने प्रशासन पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाते हुए बाजार को बंद कर दिया। मंगलवार को भी प्रशासन की तरफ से सख्ती देखने को मिली। फिलहाल लाइव प्रतापगढ़ में इतना ही। बाकी इसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।